क्या आप थोड़ी देर के लिए भी चलते हो, रनिंग करते हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलते हो, स्टेयर क्लाइंबिंग डिक्लाइन करते हो, इनके बाद आपको हिप जॉइंट के साइड पर सीवियर पेन शुरू हो जाता है, वहां पर सूजन आ जाता है और आप इनका इलाज करना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसी फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट सिखाने वाला हूं कि जिनके जरिए आप यह सभी तकलीफों बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो ये सभी तकलीफें होने का सबसे बड़ा रीजन होता है ग्रेटर ट्रोकेंटरिक बर्साइटिस, जो हमारा हिप जॉइंट है, इनके नीचे और बाहर फीमर बोन का सबसे ज्यादा उभरा हुआ पार्ट होता है, जिनको ग्रेटर ट्रोकेंटर बोला था। तो यहां पर हमारे थाई के साइड पर इस जगह पर आप हाथ घुमाते हो तो सबसे ज्यादा उभरा हुआ बोन आपको फील होगा, वही ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है। तो यह ग्रेटर ट्रोकेंटर और इनके ऊपर जो मसल्स होते हैं, इनके बीच में एक कुशन होता है जिनको बर्सा बोला जाता है। यह बर्सा काम क्या करता है, हमारे यह बोन और जो मसल्स होते हैं इनके बीच में जो फ्रिक्शन पैदा होता है, इनको रिड्यूस करने का काम करता है। पर अगर आपके हिप जॉइंट में आर्थराइटिस की असर हुई है, या फिर यह मसल टाइट हो गए, या फिर आपका पेल्विक और स्पाइन का अलाइनमेंट सही नहीं है, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा साइकिलिंग करते हो, रनिंग करते हो, स्टेयर क्लाइंबिंग डिक्लाइन करते हो, तो फिर यह जो बर्सा जो कुशन है वह इरिटेट होने लगता है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, सूजन आता है, पेन शुरू हो जाता है, को ही ग्रेटर ट्रोकेंटरिक बर्साइटिस बोला जाता है। तो शुरुआती स्टेज में हमें यह इन्फ्लेमेशन को कम करना होता है, तो इनके लिए हमें राइस फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, रेस्ट, आइस कंप्रेशन और लेग को एलिवेटेड पोजीशन में रखना है, जैसे आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। इनके बाद फिर हमें तीन स्टेप की प्रोसीजर शुरू कर देनी है, स्टेप वन में मसल को रिलीज करना है, स्टेप टू में मसल को स्ट्रेच करना है, स्टेप थ्री में मसल को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आप कंप्लीटली ग्रेटर ट्रोकेंटरिक बर्साइटिस का इलाज घर पर ही बहुत ही आसानी से करके ही पेन से रिलीफ ले सकते हो। तो ये पूरी ट्रीटमेंट डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ है डॉक्टर डिनल। स्टेप वन यानी कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में कुल हमें 5 एक्सरसाइज करनी है, तो इनको डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहली एक्सरसाइज है, इसमें हमें काफ मसल को स्ट्रेच देना है, तो इनके लिए इस तरीके का बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर आप नेपकिन या तो टॉवल से भी यह स्ट्रेच दे सकते हो। तो यहाँ पर फुट का जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ पर इनको इस तरीके से रख देना है, फिर दोनों हाथ से बेल्ट को पकड़ लेना है, थोड़ा नज़दीक से पकड़ना है, के बाद फिर नी को स्ट्रेट रख के हमें बेल्ट को खींचना है, काफ में स्ट्रेच फील हो वहाँ पर रुक जाइए, 10 काउंट होल्ड करना है, इनके बाद फिर रिलैक्स कर देना है। इस तरीके से हमें 5 रिपीटेशन करना है, दूसरे लेग को भी हमें इसी तरीके से कर देना है। फुट का जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ पर हमें बेल्ट को रखना है, नी को स्ट्रेट रखना है और फिर हमें बेल्ट को खींचना है, स्ट्रेच फील हो वहाँ पर रुक जाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है, 5 रिपीटेशन करना है। इनके बाद के दूसरे स्टेज के लिए हमें सीधा लेट जाना है। यहाँ पर हमें थाई के पीछे का जो मसल होता है जिनको हैमस्ट्रिंग मसल बोला जाता है, इनको स्ट्रेच देना है, तो एक पैर को हमें बेंड कर देना है। इनके बाद फिर फुट का जो मिडल पोर्शन होता है वहाँ पर हमें बेल्ट को इस तरीके से रख देना है, फिर लेग को ऊपर उठाना है, दोनों हाथ से बेल्ट को पकड़ लेना है, नी आपका स्ट्रेट होना चाहिए। इनके बाद फिर हमें लेग को ऐसे ऊपर लेते जाना है, जहाँ पर आपको इस जगह पर स्ट्रेच फील हो वहाँ पर रुक जाइए, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद रिलैक्स करना है। इस तरीके से हमें 5 रिपीटेशन करना है, इसी तरीके से दूसरे लेग पर भी कर देना है, इनको बेंड कर देना है, फुट के मिडल पोर्शन पर बेल्ट को रख देना है, फिर लेग को ऊपर उठाना है, दोनों हाथ से लेग को पकड़ लेना है, नी आपका स्ट्रेट रहेगा, इनके बाद फिर हमें लेग को ऐसे ऊपर उठाते जाना है, जहाँ पर आपको स्ट्रेच फील हो वहाँ पर रुक जाइए, 10 काउंट होल्ड, इस तरीके से हमें 5 रिपीटेशन करना है। इनके बाद का तीसरा स्ट्रेच हमें आईटी बैंड के लिए करना है, इनके लिए दोनों लेग को बैंड कर देना है, 2 फुट के बीच में थोड़ा सा हमें गैप बना लेना है, के बाद फिर हमें यह वाले नी को अपोजिट हील की डायरेक्शन में नीचे ले जाना है, इस तरीके से नीचे ले जाना है। यहाँ पर आपको खास ध्यान में रखना है कि जो यह वाला लेग है वह सीधा रहना चाहिए, आपकी कमर ऊपर नहीं उठनी चाहिए वरना आपको स्ट्रेच फील नहीं होगा। तो यहाँ पर आके आपको 10 काउंट होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। अगर आपका नी पूरी तरीके से नीचे नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, जहाँ पर आपको स्ट्रेच फील हो रहा है वहाँ पर रुक जाना है। तो यहाँ पर हमें
राइट नी को लेफ्ट हील की डायरेक्शन में नीचे ले जाना, यह वाला लेग सीधा रहेगा, कमर आपकी नीचे रहेगी, 10 काउंट होल्ड फिर छोड़ देना है। दोनों लेग को 5-5 रिपीटेशन हमें करना है। इनके बाद का 4 स्टेज हमारे ग्लूट मसल के लिए हमें करना है, तो इनके लिए हमें उल्टा लेट जाना है। इनके बाद फिर हमें बीच में से ऊपर उठना है और एक पैर को हमें आगे बेंड करके इस तरीके से ले जाना है और लेग को ऐसे बॉडी के क्रॉस करना है। दूसरा वाला लेग हमारा सीधा रहेगा, फुट पीछे की साइड रहेगा, दोनों हाथ का सपोर्ट लेना है, कमर को नीचे करना है और फिर हमें बॉडी को ऐसे एक्सटेंड करना है, ऊपर देखना है। तो जो लेग हमारा बेंड है इनके ग्लूट मसल पे आपको स्ट्रेच फील होगा। 10 काउंट होल्ड करना है, इनके बाद हमें रिलैक्स हो जाना है। इस तरीके से 5 रिपीटेशन करना है। दूसरे लेग को भी हमें कर लेना है, यह वाले लेग को पीछे लेना है, इनको बेंड करके आगे ले जाना है, बॉडी को क्रॉस करना है, इनको पूरा सीधा करना है, फिर हमें हाथ का सपोर्ट लेना है, कमर को नीचे ले जाना है और ऊपर देखना है। तो जो हमारा लेग बेंड है इनके ग्लूट मसल पर आपको स्ट्रेच फील होगा। 10 काउंट होल्ड फिर छोड़ देना है। इस तरीके से दोनों साइड हमें 5-5 रिपीटेशन करना है। इनके बाद का जो 5th स्ट्रेच है वह हमें पायरीफोमिस मसल के लिए करना है। इनके लिए दोनों लेग को सीधा करके हमें बैठ जाना है। इनके बाद फिर हमें एक लेग को बेंड करना है और फिर दूसरे लेग के अपोजिट साइड पर ऐसे रख देना है, नी से थोड़ा ऊपर रखना है। फिर हमारा जो यह वाला हाथ है इनको हमें इस साइड पर ऐसे ले जाना है और एल्बो से इनको दबाना है, यहाँ पर नी को पकड़ लेना है। अगर नी को आप नहीं पकड़ पाते हो तो कोई बात नहीं, हाथ को ऐसे फ्लोर पर रख के भी यह स्ट्रेच दे सकते हो। इनके बाद फिर हमें बॉडी को इस तरीके से घुमाना है, यह वाले हाथ को पीछे रख देना है, अच्छी तरीके से आपको स्ट्रेच देना है, 10 काउंट होल्ड करना है, फिर हमें छोड़ देना है। इस तरीके से 5 रिपीटेशन करना है। फिर यह वाले लेग को सीधा कर देना है, इनको बेंड करके हमें अपोजिट साइड पर रख देना है। फिर यह वाले हाथ से नी को पुश करना है और यहाँ पर नी को पकड़ लेना है, यह वाले हाथ को बॉडी के पीछे रखना है, अच्छी तरीके से बॉडी को रोटेट करना है और पीछे की साइड पर आपको देखना है। तो यहाँ पर जो नी हमारा बेंड है वह साइड के पायरीफोरमिस मसल पर आपको स्ट्रेच फील होगा। 10 काउंट होल्ड फिर छोड़ देना है। इस तरीके से हमें 5 रिपीटेशन करना है। तो स्टेप 1 में हमें यह 5 स्ट्रेच करने, इनके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, तो इनके लिए हमें लेट जाना है। तो यहाँ पर जो पहली एक्सरसाइज है इनके लिए हमें लेग को इस तरीके से बेंड कर देना है, दूसरा लेग हमारा सीधा रहेगा, पंजे को खींचना है, नी को टाइट करिए, फिर हमें लेग को इस तरीके से कम 60 डिग्री ऊपर उठाना है, 10 काउंट होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे नीचे रखना है, आपका नी स्ट्रेट रहना चाहिए। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनको बेंड कर दीजिए, यह वाले पैर को सीधा करिए, पंजे को खींचिए, नी को टाइट करिए, फिर हमें लेग को ऐसे ऊपर उठाना है, 60 डिग्री ऊपर उठाना है, 10 काउंट होल्ड के बाद नीचे लेना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की दूसरी एक्सरसाइज में हमें एक साइड पर टर्न हो जाना है, दोनों लेग को सीधा रखना है, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। इनके बाद फिर नीचे के लेग को हमें पीछे की साइड पर बेंड कर देना है, पंजे को खींचना है, नी को टाइट करिए, आगे हाथ का आपको सपोर्ट लेना है, फिर हमें लेग को ऐसे ऊपर उठाना है। उठाते वक्त आपको खास ध्यान में रखना है कि आपकी बॉडी पीछे की साइड टर्न नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल रहनी चाहिए। 10 काउंट होल्ड फिर नीचे रख दीजिए। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इसी तरीके से यह एक्सरसाइज हमें दूसरी साइड भी कर लेनी है। पहले दोनों लेग को सीधा कर देना है, पूरी बॉडी स्ट्रेट लाइन में आ जानी चाहिए, फिर नीचे वाले लेग को बेंड करना है, ऊपर वाला लेग सीधा रहेगा, पंजे को खींचिए, नी को टाइट करिए और लेग को ऊपर उठाना है, कमर आपकी न्यूट्रल रहेगी, 10 काउंट होल्ड फिर नीचे। ऐसे हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की थर्ड एक्सरसाइज में हमें उल्टा लेट जाना है के बाद फिर यहाँ पर हमें पंजे को बाहर खींचना है, नी को टाइट करना है और फिर हमें हिप में से लेग को ऊपर उठाना है, सीधा लेग ऊपर उठाना है, कमर के मसल को रिलैक्स रखना है, फिर हमें 10 काउंट होल्ड इनके बाद नीचे कर देना है। इस तरीके से 10 रिपीटेशन करना है। यह वाले पंजे को बाहर लीजिए, नी को टाइट करिए और फिर हिप में से लेग को ऐसे एक्सटेंड करना है, 10 काउंट होल्ड नीचे। इस तरीके से दोनों लेग पर हमें 10-10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद हमें सीधा घूम जाना है।
ब्रीजिंग एक्सरसाइज करनी है, बैक लिफ्ट करना है, दोनों लेग को बेंड कर देना है, आपकी मिडल फिंगर हील को टच होनी चाहिए, इतना बेंड करना है, दो लेग के बीच में 1.5 से 2 फीट का डिस्टेंस रखना है। इनके बाद फिर हमें कमर को ऊपर उठाना है, ऊपर उठाइए उठाइए, यहाँ पर आके आपको 10 काउंट होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे नीचे लाना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। थोड़े दिनों के बाद फिर हमें 1 लेग ब्रिज करना है, यह लेग को दूसरे लेग के थाई के ऊपर रख देना है, फिर हमें कमर को वापस से ऊपर उठाना है, पूरा वेट आपके दोनों शोल्डर और फुट के ऊपर रहना चाहिए, 10 काउंट होल्ड, फिर स्लोली स्लोली नीचे लाना है, इनको नीचे रख दीजिए, फिर यह वाले लेग को थाई के ऊपर रखना है, कमर को ऊपर उठाइए, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद स्लोली स्लोली नीचे लेना है, दोनों साइड पर हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की 5th एक्सरसाइज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इनको क्लैम्पशेल एक्सरसाइज बोला था, इनके लिए हमें इस तरीके का हेवी रेजिस्टेंस बेल्ट का इस्तेमाल करना है, इनका लूप बना लेना है, इनके बाद फिर हमें थाई पर इनको पहन लेना है नी के ऊपर, फिर हमें एक साइड टर्न हो जाना है, दोनों लेग को बेंड करना है आगे की साइड, फिर नीचे वाले लेग को स्टेबल रखना है और ऊपर वाले लेग को इस तरीके से ऊपर उठाना है, आगे हाथ का सपोर्ट लेना है, आपकी कमर घूमनी नहीं चाहिए और दोनों फुट जुड़े हुए रहने चाहिए, ऊपर लाके 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे लाना है, इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है, ऊपर लाइए, नीचे वाले लेग को स्टेबल रखना है, 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे, इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी ये एक्सरसाइज कर लेनी है, दोनों लेग को बेंड करके आगे लाना है, आगे हाथ का सपोर्ट लेना है, कमर आपकी न्यूट्रल रहनी चाहिए, नीचे वाले लेग को स्टेबल रखना है, फिर ऊपर वाले लेग को ऊपर उठाना है, दोनों फुट जुड़े हुए रहने चाहिए, 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे, इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। तो यहाँ पर हमने जो ट्रीटमेंट आपको सिखाई, इनके जरिए आप यह ग्रेटर ट्रोकेंटरिक बर्साइटिस का इलाज घर पर ही करके हिप पेन से और सूजन से रिलीफ ले सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए, और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।